हेलो साथियों, नमस्कार। पहाड़ों की इन हसीन वादियों से मैं पंकज डुंगराल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ये तिरंगे है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं नगर पंचायत किरनर की ओर से। हर घर झंडा का ये कार्यक्रम चल रहा है और हर घर में झंडे हम लोग लगा रहे हैं। तो किरनर बाजार से अभी हमने शुरुआत की है, किरनर बाजार में हमने लगाए, उसके बाद अब घर घर में हमने जाना है। तो साथ में मेरे और यहाँ पे नगर पंचायत के जो कर्मचारी है और हम लोग मिलके इन झंडों को घर घर तक लगा रहे हैं। आप पूरी टीम हमारी देखिए, शिवम बुला ये देखो हाथ में झंडे है। हेलो शिवम। हेलो भैया। और दीपक देखे झंडे लेके खड़े, रवि भाई हमारे देखे बिल्कुल रसा रसा देखे। इस तरीके से झंडे दिए जा रहे हैं लोगों को और घर में हर घर में झंडा होना चाहिए। तो हर घर झंडा के तहत ये कार्यक्रम, अरुण भाई हमारे लीडर यहाँ पे, और गली गलियों से होते हुए पूरे किरनर बाजार से हमने अभी जाखणी जाना है और ये पूरा निपटाना है आज। तो पूरी टीम के साथ अब ऐसे घर में जब लगाएंगे तो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। फिलहाल अभी हम किरनर की गलियों में झंडों के साथ आंटी जी द्वारा नींबू दिए जा रहे हैं। क्या क्या दादी दादी झंडे वाले नींबू मिल रहे हैं झंडे वाले, तो कुछ मिल रहा है इनको खाने के लिए जगह जगह पे। ये देखिए भारत माता की। साथियों सामने जो आप लोगों को दिख रही है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो ऋषिकेश की तरफ जा रहा है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में आता है और ये माँ अलकनंदा नदी बह रही है। तो ठीक नदी के इस पार है टिहरी गढ़वाल, लोग किरनर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। तो इस तरीके से जो हर घर झंडा का अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, तो इस तरीके से पूरी टीम के साथ यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं आप घर घर में तिरंगा लगाने का काम कर रहे हैं। और माँ अलकनंदा नदी के तट पर ये प्यारा सा शहर बसा है, यहाँ पे छोटे भुला लोग लगे हैं, ऋषभ भुला भी देखिए लगा है यहाँ पे, देखिए दीपक भुला। इस तरह देखो, मतलब पूरे मजबूती के साथ तिरंगा का अपमान ना हो तो मजबूती के साथ बन रहा है तिरंगा, क्यों दीपक भाई? हाँ भाई जी, देखिए। तो अभी पूरी मुहिम ये अभी काफ़ी दिन भर का आज काम है हमें। और रवि भाई भी हमारे, रवि भाई थक तो लग गई? नहीं तो बिल्कुल लगे। अभी है किरनर बाजार, तो आसन डैश ले काफ़ी दुकानें बंद हैं यहाँ पे और इस तरीके से घर घर में झंडे लगाने का काम हो रहा है। तो लग चुके हैं काफ़ी झंडे तो किरनर बाजार में अभी हम लोग, और संडे आज तो इसलिए पूरा बाजार खाली खाली सा लग रहा है। बस हमारी टीम दिख रही है यहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे किरनर, तो ये भी आज बंद है यहाँ पे। तो बाजार में हम लोग, तो मौसम भी साथ दे रहा आज हमारा, तो सुहाना मौसम देखे। बाइक गाड़ी गुड़ी सब जगह झंडे लग चुके हैं देखे, घर घरों में ये देखिए। तो हमारे कैसा भाई, नमस्कार, राम राम। तो यहाँ पे ये देखिए आप, वाल्मीकि मंदिर भी है किरनर में, तो यहाँ पे भी तिरंगा आप लोगों को दिखाई देगा। भीमराव अम्बेडकर पार्क भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे और झंडे लग चुके हैं घर घर में देखिए। तो अभी हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं लगातार। तो साथ में पहुँच चुके हैं हम जाखणी, सुंदर सा व्यू यहाँ पे, व्यू पॉइंट भी बनाया गया है यहाँ पे बैठने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं सुबह शाम, तो यहाँ पे बैठने की भी शानदार व्यवस्था है। देखो यहाँ पे भी हम लोग झंडा लगा रहे हैं, तो व्यू पॉइंट नगर पंचायत किरनर का। और ये अलकनंदा देखिए, काफ़ी बहाव आजकल क्योंकि नदी बड़ी है पूरी, देखिए कितना एरिया इसने कवर कर रखा है क्योंकि लगातार बारिश पहाड़ों में चल रही है। और ये पूरा जाखणी यहाँ पे, ये पेड़ों के पीछे पूरा छुपा है, आजकल हरियाली ज़्यादा है, झाड़ियाँ ज़्यादा है, तो पूरा जाखणी अभी दीपक यहाँ पे व्यू पॉइंट में झंडा लगा रहा है। और देखिए यहाँ पे, देखिए शानदार यहाँ पे, ये देखिए एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है, व्यायाम करने के लिए बनाया गया है। तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है और काफ़ी फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत ही अच्छी लोकेशन ही है। तो आप लोग कभी किरनर मान हो तो यहाँ पे ज़रूर आए। और देखिए यहाँ से पूरा ये शिशु विद्या मंदिर है, ये दीप ज्योति स्कूल है, ये पूरी कॉलोनी है। तो साथ ही हमारा प्रस्थान जाखणे के लिए टावर होने वाला है और तिरंगे के साथ हम लोग, तो एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो हम जाखणी की तरफ अग्रसर है और देखिए झंडे सारे हमने बांध दिए, अब प्रत्येक घर में एक एक झंडा होने वाला है भाई। और एक एक झंडा लिख रहा है ना भाई, हाँ एक घर में एक झंडा। चलो एक आप गाना, डंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊपर भी देखे आ जा। तो साथियों जाखणी में हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए झंडे भी लग चुके हैं छतों में। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए तो झंडे यहाँ से लग चुके हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान यहाँ पे जाखणी में हम लोग पहुंच चुके हैं। दीपक बांध बांध सारे छतों में। देखिए हमारे कुलदीप है, मिल चुके हैं हमें। और भैया ठीक है, जो मुहिम सही चल रही है, बहुत अच्छा लगा, भारत माता की जय। ठीक है, देख सकते हैं आप जाखणी छतों में झंडे यहाँ पे फहराने लगे हैं, तिरंगे झंडे। तो ये देखिए बांध रहे सभी, देखिए वहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखिए वहाँ बन रहा है। तो सभी जगह तिरंगे आप लोगों को दिखेंगे घर में,
ये देखो यहाँ भी बन चुका है, सभी घरों में तिरंगे सब घरों में लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आज का अभियान समाप्त होगा। तो देखिए किस तरीके से रवि भाई, देखिए डिस्क लेके यहाँ पे लोगों की छतें में चढ़ रहे, तार है, बाड़ है, सब कुछ है, खुले छत है। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए हर घर में तिरंगे लगाए जा रहे हैं। अब लोगों का अमरुद चोर के अब आगे ले बढ़ रहे हम। अब जाखनी की कॉलोनियों में हम लोग हैं, तिरंगे हमारे हाथों में, लड़के हमारे छतों में जा रहे हैं। देखिए 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 भाई लोग हमारे ऊपर छत में चढ़ गए, वहाँ से बांध रहे। तो हल्की हल्की बारिश लग चुकी है, लेकिन बारिश में भी देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, छतों में चढ़े हैं। सारे इस तरीके से पूरे किरना से लेके जाखनी में हमने झंडे मार दिए, जितने इस वीडियो के माध्यम से कवर करा सकता था कवर करा चुका हूँ। ऋषभ बुला भी है, पूरे घर घर में चढ़ के इसने झंडे बांधे हैं। और बस मतलब साथियों कहना यह है कि अमर शहीद वीर जो हमारे, वो अपना सर्वोच्च बलिदान देके इस देश की खातिर चले गए हैं, जिनकी बदौलत आज हम इस खुले आसमान में, इस सुहाने मौसम में स्वतंत्र है कुछ भी काम करने के लिए। तो उनके लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, उनके नाम पे उनको सम्मान करना, उनको उनके जयकारे करना, उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाना, यही हमारा एक लक्ष्य है। और उनके बताए हुए कदमों पर चल सके, यही मतलब थोड़े से भी अगर हम चले तो शायद जीवन हमारा भी साकार होगा और माँ भारती के हम काम आए। तो तिरंगे बन चुके, अब हम लोग भी भूख लग गए, सुबह से घूम रहे, अब घर के लिए चलते हैं। फिलहाल ये दृश्य शानदार, जहाँ पे आप लोगों को पहले बताया था वहीं पे हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग के माध्यम से इतना ही आप लोगों को दिखाना है। अब थोड़ा बहुत घर बचे, डंडे भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, जो झंडों के लिए लगा रखे थे, अब कल थोड़ा बहुत लगाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दोस्तों के साथ मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय करता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है दीपा भाई, अरुण भाई बाय बाय कर दो। एक बार भारत माता की। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर जल्द किसी और जगह, तब तक ले टाटा बाय बाय।